सुबह के 6 बज चुके हैं और बच्चों के लिए टिफिन बनाया जाएगा। किसु तो एक महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन अंकुर, प्रीति और फैंसी जा रहे हैं, तो आज टिफिन में उनके लिए बनेगा पाव भाजी। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं किचन में आ गई हूँ, संगीता भी अभी आ जाएगी और हम बनाएंगे पाव भाजी। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जो खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और उसके साथ लौंग, सूखी लाल मिर्च और धनिया, जीरा, थोड़ी सी सौंफ। अब हम अभी के लिए बस थोड़ी सी मसाला बना रहे हैं, बाद में थोड़ा ज़्यादा बना के रख देंगे, लेकिन अभी यूज़ करने के लिए थोड़ा सा बस बना रहे हैं। देखिए, हमने फ्राई कर लिया अच्छे से, अब इन सबको ग्राइंड कर देंगे। तो इन मसालों में ना थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालना था जो नहीं था, तो हमने उसे स्किप कर दिया। अभी प्रेशर कुकर जो है गर्म हो गया है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी जीरा। तो जीरा थोड़ी सी लाल होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ी सी डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे खाएंगे ना, और उसके साथ धनिया पाउडर भी डाल देते हैं इसमें। और सब्जियों में हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, क्योंकि हम इसमें सारे सब्जी डाल सकते हैं, बहुत सारे सब्जी इसमें डाल सकते हैं। कड़वे जो सब्जी कड़वे होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब्जियां हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ गाजर, बीट और आलू था, तो हमने इसमें गाजर, बीट और आलू ही सिर्फ डाले हैं। अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं वे जो सब्जियाँ डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। बीटरूट भी मैंने इसमें डाल दिया है, मिलाते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। दोस्तों, इसमें ग्रीन मटर डालना था, लेकिन ग्रीन मटर तो नहीं था, तो संगीता ने भिगोए थे ये वाले मटर, तो इसमें से थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है। और अभी इसमें डाल देते हैं हम नमक, और उसके बाद टमाटर भी काट लिया है, तो टमाटर को भी इसमें डाल देते हैं। अभी हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी तो हमने इसमें डाला नहीं था, तो हल्दी डालकर इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम पानी डालकर इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चार पांच सीटियां आने तक इसे हम छोड़ देंगे। तब तक हम जाके देखते हैं कि प्यांसी अभी उठी कि नहीं, क्योंकि वही एक है बच्ची जो सुबह जल्दी उठ जाती है, बाकी तीनों बहुत देर से उठते हैं। तो यहाँ पे उसने उठकर भी एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, तो चलिए आप देखिए उसकी एक्सरसाइज को, थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए। तू तरह उठू उठू नंबर कर कर कर
थोड़ी सी चीटिंग हो गई, थोड़ी सी चीटिंग हो गई। हाँ, क्योंकि मुझे ये वाला पसंद नहीं है। अरे वाह, पेंस इज फेवरेट एक्सरसाइज। हाँ करो, उठ जा। ओए कर 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 सेटा कर, तो सेटा करनो, तो सेटा करनो आगो, सेटा कर। स्क्वैट्स करने में पेंसी को बड़ा मजा आता है ना। हाँ, पर जो स्क्वैट मुझे पसंद नहीं, वो स्क्वैट मुझे मजा ही नहीं आता। टिके पाठ पढ़ दो ना। तो अभी मैं फिर से वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे संगीता भी प्याज को फ्राई कर रही है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर सूख ना जाए और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए, क्योंकि हमें सब्जियों में तड़का लगाना है ना मसाला देकर, तो उसकी प्रिपरेशन अभी चल रही है। और जो हमने सीटी लगा के हम गए थे, तो देखिए सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और अभी हम इनको थोड़ा सा अच्छे से स्मैश कर लेंगे। तो प्याज देखिए अच्छे से पक गया है और ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि तीखा हो जाएगा ना, तो बच्चे टिफिन में खाएंगे नहीं। और उसके साथ साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला अच्छे से हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे सब्जी को। और ये थोड़ा सा ज़्यादा सूख गया है ना, तो इसमें थोड़ा सा और पानी दे देंगे ताकि ये मसाले के साथ और थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, तो टेस्ट जो है ना वो अच्छा आएगा। अभी इसमें हम और एक चीज़ डालेंगे, वो है देसी घी। तो चलिए अभी इसमें हम डाल देते हैं देसी घी 2 चम्मच। और ये अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अभी हम इसमें डालते हैं धनिया के पत्ते, और धनिया के पत्ते डाल देते हैं ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाता है। भाजी तो रेडी हो गया, अभी पाव को रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए हमने लिया है ये वाला बन। और भाजी ना एकदम खुशबू मस्त आ रही है, जो मसाला हमने घर पे बनाया ना वो मसाला डालने के बाद मस्त खुशबू आ रही है। और पाव को हम देखिए, बन को हमने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, 2 टुकड़ों में काट लिया है बीच से। और अभी सबको ऐसे काट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
फ्रेंड्स, अभी पाव को सेकने के लिए हम कढ़ाई में लेंगे एक चम्मच घी, और घी की जगह आप बटर भी ले सकते हो, और उसमें डालेंगे एक चम्मच भाजी जो हमने बनाई थी, और उसके साथ कुछ धनिये के पत्ते, और इसमें हम पाव को अच्छे से सेकेंगे, धीमे आंच पे सेकेंगे ताकि उसका फ्लेवर जो है ना वो पाव में आ जाए। इसी तरीके से सारे पाव को हम सेक लेंगे। मैं सब उठला को बाजु न थाने ना तळ पसला रु सेते बेला करि पर ना जाय असने पाव भाजी मसलाटा पड़ला पर कि बासना हैला सेडा प्रीति कोला कि बासना होजी एमने मसाला सब घर तैयारी करके रखिया कथा। तो हमारा पाव भाजी अभी रेडी हो गया है, टिफिन भी पैक हो गया है। मैं इसे ले रही हूँ किसू के लिए, और बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलेंगे, बाय।